नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल। मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 17 जनवरी 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा, तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन आप लोग को रेगुलर मिल जाएगा। और बाई लेवल एंड सेल लेवल इंसर्ट दबा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 100 DEMA स्ट्रैटेजी मैंने एक्सेल फाइल में थ्रू में देता हूँ। फिबोनाची लेवल स्ट्रैटेजी वो भी देता हूँ और बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल भी आप लोग को अगला दिन दे देता हूँ, तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा। तो ये इसको इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बहुत सारे चार्ट का सेटअप जो है और वो भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉफिट आएगा। और बहुत सारा स्ट्रैटेजी टेक्निक्स है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान कर देगा। हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स और हाउ टू फॉलो द फिबोनाची लेवल्स एंड मेरा ये जो स्किनर है तो ये कैसे स्क्रीनिंग करना है, क्या इसमें क्या क्या है, कैसे सेफेस्ट एंट्री लेना है, तो ये सब बहुत सारा वीडियोस आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ऑप्शंस के बारे में वीडियोस है तो ये सब वीडियोस आप लोग देख सकते हैं और आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और भी अगर मैंने वीडियो बनाते रहूँगा तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए निफ्टी 50 का जो चार्ट मैंने ओपन किया हो और काली इधर हैंगिंग जैसा पैटर्न और इधर जो कल मैंने देखा था ये कैंडल ट्रायंगल का ट्रायंगुलर पैटर्न भी इसका ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन इसका जो हाई दिया है इसका हाई ये कैंडल का हाई जो थोड़ा सा हैंगिंग में जैसा पैटर्न मतलब रिवर्सल पैटर्न का टाइप का पैटर्न बना था, लेकिन इधर थोड़ा सा अप में दिया था इधर और अनसर्टेन कैंडल स्टिक बना है। आप लोग देख सकते हैं स्पिनिंग टॉप या डोजी टाइप का कैंडल बना है, क्योंकि उधर से बाइंग का पीपल बाइंग भी करना चाहता है, लेकिन ऊपर से जब भी ऊपर जा रहा है इसका सेलिंग प्रेशर आ जाता है। आप लोग इधर सब इसको समझ सकते हैं, तो इसीलिए इसका ऐसे बना है। इधर जो हैंगिंग एंड बना था इसका ऊपर से सेलिंग नीचे से सेलिंग सॉरी बाइंग प्रेशर था और ऊपर से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था कम था, तो इसलिए इस टाइप का कैंडल बना था। और इधर देखिए ऊपर से भी बाइंग सेलिंग प्रेशर है, नीचे से भी बाइंग प्रेशर है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कभी कभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है तो ऊपर नीचे भी थोड़ा सा पुल बैक हो जा रहा है। तो इसीलिए अब मैं इसका जो 12000 जो 485 या 489 का लेवल थोड़ा सा ब्रेक किया था, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। इसका बॉडी जो ये रेजिस्टेंस को 385 का लेवल तोड़ेगा ये 400 का ऊपर जा पाएगा, लेकिन 400 का ऊपर जाएगा भी ये मैंने बोलता हूँ कि इसका ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी अभी भी बहुत ही मतलब ज़्यादा ऊपर ये नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसको कंसिडर करना ही है। तो क्योंकि और भी फैक्टर्स जो है पीसीआर रेशियो पी और पीवी रेशियो जो है तो उसको ये नीचे नीचे आने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा और कंसिडर करने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, तो लॉन्ग व्यू बना के चलना निफ्टी में ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप लोग को सेल ऑन राइज बेसिस पे व्यू पकड़ के चलना ठीक रहेगा। तो इसमें आप लोग निफ्टी का देख सकते हैं, उसके बाद आप लोग निफ्टी बैंक का जो है निफ्टी बैंक का निफ्टी बैंक का देखिए इधर कल मैंने बोला था इधर बहुत ही देखिए गिरा है, इधर 695 तक 670 तक कल आया था, आज 695 लो मारा है 50 से 100 के नीचे। ये पहले वीडियो हम लोग देख सकते हैं 7-8 तारीख का वीडियो, उसमें 50 से 800 का जो लेवल देख किया था उसके बाद ये 700 का नीचे आ गया था। तो उसके बाद जो अभी ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ही लगता है, लेकिन इधर थोड़ा सा बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी बन चुका है, तो इसीलिए मेरा लगता है थोड़ा सा ये रिट्रेस करेगा मतलब ऊपर जाएगा। इधर इसका सपोर्ट लेवल जो 32 के ऊपर ये 32100 या 32200 तक आ सकता है। और इधर मैंने ऑप्शन चेन देखूंगा तो
इसका जो निफ्टी का जो लेवल है, निफ्टी का मैंने 23 जनवरी लेता हूँ, शायद 22 जनवरी होगा, ठीक है देखते हैं बाद में देखेंगे। इधर तो ऑप्शन चेन टेबल में तो इधर 23 जनवरी है, तो ठीक है बाद में देखेंगे। तो इधर और इधर 1.36 इसका पीसीआर रेशियो है, 1.36 या फिर 1.34 इसका पीसीआर रेशियो है। कल इधर ये था 1.8 के ऊपर था, तो इसीलिए अभी मैंने बोला था कि ये कॉन्सोलिडेट करेगा, तो ये अभी 1.34 है, तो इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर आ गया है, 12,500 में आ गया है। कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इस टाइप का इसमें 12,500 में, और इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो इसीलिए मार्केट द्वारा सेटिंग किया है 12,300 का बुक साइड में। तो इधर लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है, तो इधर लगता है कि ये थोड़ा सा पुल बैक करके नीचे आना चाहिए, और 270 के नीचे, 12,270 के नीचे इसका थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिख जाएगा, दिखेगा। और इधर निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में इधर 0.87 इसका पीसीआर रेशियो है, 32,000 में इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है, और सपोर्ट है इधर 31,000 में, 31,500 में इसका सपोर्ट लेवल रहता है। इसके बाद पास शॉर्ट बिल्डअप होता है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और इधर लेकिन दोनों साइड में ये जो दोनों साइड में ये शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, तो साइडवेज मूवमेंट दे सकता है, देने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अच्छा सॉरी, ये इसका 23,000 और पीसीआर रेशियो इसका वही है, और एक के नीचे 0.87 ऐसा कुछ है, और इधर 32,000 इसका सब रेजिस्टेंस है, और इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर थोड़ा ऑप्शन चेन में, पूरा ऑप्शन चेन में ही था शॉर्ट बिल्डअप है, इधर भी ऑप्शन चेन। तो इधर मेरा ख्याल से थोड़ा सा रिप्लेस होकर ऊपर जाएगा, और फिर से ये मतलब इसका अंदर 31,500 या 32,500 के अंदर ये कॉन्क्रीट करेगा। तो और फिर मैंने सॉरी जो मैंने जो इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता हूँ, वो 7 दिन का हिसाब से 12,300 में का नीचे जो मतलब नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है निफ्टी का, और इधर 21,500 मतलब नीचे का जाने का प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी में दिख रहा है 7 दिन का हिसाब से। और मैं जो बाई लेवल और सेल लेवल देखाता हूँ, और कैंडलस्टिक पैटर्न बनता वन दिखाता हूँ, वो आप लोग को मिल जाएगा। और कुछ आदमी मतलब कुछ लोग बोलता कि बैंक निफ्टी का कुछ स्ट्रैटेजी जो है फिबोनाची लेवल का, फिबोनाची लेवल की स्ट्रैटेजी और कुछ नहीं, आपको तो इधर से कैंडलस्टिक पैटर्न को किसमें फॉर्म कैसे कैसे करके कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। इधर देखिए कल कल का जो मैंने डाउनलोड किया था, इधर आप लोग को निफ्टी में दिखा था हैंगिंग बैंड जैसा पैटर्न, इधर शेकआउट पैटर्न बना था, तो इधर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हुआ था, ये भी आइए आप लोग देख लीजिए। और जो फिबोनाची का जो स्ट्रैटेजी है, ये 7 दिन पहले 7 दिन का हिसाब से इसका ये पिवट पॉइंट है, ये बाई एंट्री लेवल है फिबोनाची का, 7 दिन का हिसाब से बाई एंट्री लेवल देखिए, 7 दिन का हिसाब से सेल लेवल का एंट्री लेवल भी देखिए, 5 दिन का देखिए, 5 दिन का हिसाब से बाई लेवल और सेल बाई एंट्री लेवल और सेल एंट्री लेवल देखिए, 3 दिन का हिसाब से बाई एंट्री लेवल और सेल एंट्री लेवल देखिए, और 2 दिन के हिसाब से बाई एंट्री लेवल सेल एंट्री लेवल देखिए, और 1 दिन के हिसाब से बाई एंट्री लेवल सेल एंट्री लेवल का लेवल देखिए। तो इसमें जो भी आप लोग को आएगा, तो आप पहले आएगा तो इसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, और जब 2 दिन या 5 दिन या 7 दिन का जो ब्रेकआउट आएगा, तो आप लोग जो आप लोग देख सकते हैं, इधर टारगेट थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आप लोग बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही है फिबोनाची लेवल का स्ट्रैटेजी और कुछ नहीं, 7 दिन 5 दिन 3 दिन ये आप लोग को फाइल मिल जाए तो मिल जाता है, जो लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे है तो उन लोग को फाइल मिल जाता है, तो इसी का हिसाब से आप लोग बैंक निफ्टी का भी ट्रेडिंग करेंगे। मैंने फिबोनाची लेवल स्ट्रैटेजी इन साइड द बार कैंडल